आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना वायरस को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र राज्य के 4 शहरों को लॉकडाउन करने का फैसला किया है। पुणे, पिंपरी, चिंचवड़, मुंबई और नागपुर ये वो शहर हैं जिसे पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया गया है, मगर चारों शहरों में जरूरी सेवाएं जारी रहेगी। साथ ही दिल्ली सरकार ने कोरोना के चलते दिल्ली में सारे मॉल आज से बंद हो जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने 1 से 8वीं तक की सारी परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। वहीं 9वीं और 10वीं की परीक्षाएं 15 अप्रैल के बाद होगी। लोगों को अभी तक कोरोना वायरस की गंभीरता का पता नहीं चला है, वे इस वायरस को अभी भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसी कड़ी में बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर भी कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाई गई है। कनिका 15 मार्च को लंदन से लखनऊ आई थी और लखनऊ एयरपोर्ट से वे थर्मल जांच से बचकर सीधे घर चली गई थी। उसके बाद वे 3 पार्टियों में भी गई थी। अब उनके संपर्क में आए सभी लोगों को कोरोना वायरस टेस्ट करने की सलाह दी जा रही है। कनिका कपूर के साथ पार्टी में शामिल तमाम बड़े अफसर और कई बड़े नेता भी शामिल थे। अब हर कोई डरा हुआ है। वही एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, कोरोना वायरस से देशों में 5वीं मौत हो गई है। जयपुर में 69 साल की एक महिला की मौत हो गई है। वे सवाई मानसिंह अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती थी। बताया जा रहा है कि मरने वाली महिला इटली की नागरिक है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।